welcome back to our channel Reality 360 Degree. I am Jolly Yadav. And guys, आज मैं एक बार फिर से आपको लेकर आई हूँ दिव्यांश और एक हमारे प्रोजेक्ट पर. लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे याद है तब ये प्रोजेक्ट नियर टू पोजेशन सेगमेंट का था. उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तब ये रेडी टू मूव इन सेगमेंट का हो चुका था. बट यहाँ पर कोई भी रेसिडेंट शिफ्ट नहीं हुए थे. एंड आज जब मैं यहाँ पर 3 से 4 महीने के गैप के बाद आई हूँ तो यहाँ पर रेसिडेंट शिफ्ट हो चुके हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, OPDs भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी हैं. लास्ट टाइम यहाँ पर जो क्लब हाउस था वो अपने फिनिशिंग के लास्ट स्टेज पर था, बट आज क्लब हाउस भी ऑपरेशनल हो चुका है, लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं. प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ. दिव्यांश ऑनिक्स एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स के अंदर लोकेटेड रहेगा. बैंगलोर NH24 प्रॉपर्टी रहेगी एंड यहाँ से आपको कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन एंड दिल्ली, सभी जगहों की आपको काफी इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है. हार्डली आपके 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर ये सारी जगह मौजूद रहेंगी. उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपकी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, रेडी टू मूव इन सेगमेंट की रहेगी. 4 एकड़ की आपकी गेटेड सोसाइटी रहेगी जिसमें की सिर्फ 4 टावर्स रहेंगे. टावर हाइट की हम बात कर ले तो आपकी G+22 एंड G+23 की आपकी टावर हाइट रहेगी. एंड यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स में काफी सारे साइजेस मिल जाते हैं. मेजर इन्वेंट्रीज अभी यहाँ पर 2 BHKs में है, साइजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन है. एंड उसके अलावा अगर मैं अमेनिटीज की बात करती हूँ तो आपको अमेनिटीज भी सारी ऑपरेशनल मिल जाती है. यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको अराउंड 50% ओपन का ग्रीन एरिया मिल जाता है जिसमें कि आपको 2 यहाँ पे पार्क डेवलप करके दिए जा रहे हैं ऑन बोथ दी एंड्स. एंड उसके साथ साथ यहाँ पर अगर पार्किंग की भी हम बात करते हैं तो पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट पे रहेगी. एंड 2 पार्क आपको यहाँ पर वैसे मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉमन पार्क भी मिल रहा है तो वो भी यहाँ के रेसिडेंट्स यूज कर पाएंगे. क्लब हाउस आपको मिल ही जाता है, साथ ही साथ आउटडोर एरियाज में भी प्रॉपर ग्रीनरी है एंड काफी ज्यादा वेल मेंटेनेड सोसाइटी है. सो गाइस, दैट वाज द लिटिल ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का क्लब हाउस जिसमें मैं फिलहाल मौजूद भी हूँ. इसको हम पूरा टूर करते हैं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी यहाँ के सैंपल अपार्टमेंट में. एंड गाइस, दिस इज द क्लब हाउस ऑफ दिव्यांश ऑनिक्स. ये आपका ऑपरेशनल कंडीशन में है, क्लब हाउस पूरा रेडी हो चुका है. ये आपका 22,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है. आपका 3 लेवल का क्लब हाउस रहेगा एंड दिस इज द वेटिंग एरिया और द रिसेप्शन एरिया ऑफ द क्लब हाउस. एंड इसीलिए हम ग्राउंड फ्लोर को और एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस आ जाती है पूल एरिया की. यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल रहेगा. This is the crash. यहाँ पर आप देख सकते हैं it's all ready. Enjoy. This is your fitness center. ये रहेगा आपका gymnasium. All the equipments are already here. And guys, अभी मैं आ चुकी हूँ क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं. So guys, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंडोर गेम्स. यहाँ पर आपके कैरम्स बनेंगे प्लस सिटिंग एरिया रहेगा. क्लब हाउस एंड यहाँ पर रहेगा आपका कॉमन एरिया एंड इजिली 50 to 100 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं. आप देख सकते हैं लाइटिंग एंड एवरीथिंग is already in place. Guys, project आप देख चुके हैं, amenities यहाँ की आप देख चुके हैं. अब मैं आपको लेके आ चुकी हूँ sample apartment के अंदर. So अभी मैं आपको एक 2 BHK sample apartment दिखाने वाली हूँ. Actual जो apartment रहेगा वो आपका raw apartment रहेगा. So यहाँ पर जो आप furniture and जो wooden work देखेंगे वो आपका included नहीं रहेगा. एक floor पर आपकी 2 BHK की जो segment रहेगी उसमें 8 flats बनेंगे. And guys, this is the main entrance to the apartment and जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये आ जाता है आपका living space. इस तरफ आपका रहेगा LED panel, तो आप कुछ इस तरीके से अपना LED panel design करवा सकते हैं. Living area के साथ आपको balcony का access भी मिल जाता है, तो ये आपकी running balcony रहेगी. And here is the kitchen. So, kitchen आप देखिए, kitchen में space
स्पेस आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है. यूजली जो 2 BHK अपार्टमेंट्स होते हैं, अगर मैं और लोकेशन से कंपेयर करूँ, वो थोड़े से किचन कॉम्पैक्ट होती है, थोड़ी सी मतलब आपका आप समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट किचन होती है. बट यहाँ पर आप देखें तो स्पेस काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, काफी स्पेशियस यहाँ पर आपको किचन मिल रही है. प्रॉपर आप देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टैबलेट्स का स्पेस दिया जा रहा है, यहाँ पर एक विंडो रहेगी ताकि यू लोग आप कुकिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर आपका वेंटिलेशन होता रहे. यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर पुट कर सकते हैं. एंड गाइस यहाँ पर आपको एक छोटी गैलरी भी मिल जाती है, जिसके बाद रहेंगे आपके 2 bedrooms. सो दिस इज योर बेडरूम नंबर 1. एंड इसका भी हम साइज देखें तो काफी ज्यादा अच्छा आपको साइज मिल जाता है कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, जो कि नोएडा एक्सटेंशन वगैरह के अदर प्रोजेक्ट से बात करूँ तो यहाँ पर आपको रूम साइजेस काफी स्पेशियस मिल रहे हैं. यहाँ पर आपका वार्डरोब का स्पेस रहेगा, तो आप इस तरीके से एक वार्डरोब डिजाइन करवा सकते हैं. एंड हियर इज द बालकनी एरिया गाइस, ये आपकी रनिंग बालकनी है जो मैंने आपको पहले बताया था. एंड यहाँ पर आपका रहेगा वॉशरूम, अटैच वॉशरूम आपको मिल रही है प्रॉपर टाइलिंग के साथ. यहाँ पर आपका वॉश मशीन रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक विंडो भी मिल रही है. साथ आप यहाँ पर फ्लोरिंग भी चेक कर सकते हैं, आपको काफी अच्छी फ्लोरिंग यहाँ पर मिल रही है, टाइल वर्क आपका पूरा कम्प्लीट रहेगा. इसी बेडरूम के ऑपोजिट यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाती है, तो वॉशरूम्स आपकी कंप्लीट रहेंगी, सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपको कंप्लीट मिलेंगी. एंड ये कॉमन वॉशरूम था जिसे कि आप बेडरूम नंबर 2 के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं. एंड ये बेडरूम आप देखिए तो काफी अच्छा साइज यहाँ पर भी आपका रहेगा, ये आपका वार्डरोब का स्पेस हो जाएगा. तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब बनवा सकते हैं, यहाँ पर आप एक ड्रेसिंग एरिया बनवा सकते हैं कुछ उस तरीके से. एंड ओवरऑल ये बेडरूम भी काफी वेल लिट है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड है. एंड इस बेडरूम में आपको एक प्राइवेट बालकनी मिल जाती है, सो आप यू नो एक अच्छा टाइम यहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं. सो गाइस अपार्टमेंट तो काफी ज्यादा अच्छा था, प्रॉपरली वेंटिलेटेड अपार्टमेंट है, स्पेशियस अपार्टमेंट है, आपको 2 BHK मिल रहा है 1190 square feet के साइज में. सो गाइस अपार्टमेंट काफी ज्यादा अच्छा था. अगर मैं इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग प्राइस की बात करती हूँ तो यहाँ पर 2 BHK का प्राइस 63.54 lakhs onwards शुरू हो जाता है. So guys, that was all about our today's project, Divyansh Onyx. आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? Do tell us in the comment box. And guys, right now with me is Mr. Nikunj Tomar, who is from Divyansh Onyx team, and he will be telling us about the USPs of Divyansh Onyx. So all over to you. Thank you. So yeah, guys, hi. First of all, if you talk about the location benefits or the benefits of the project, first of all, we are right sitting on the Delhi Meerut Expressway. It's hardly like 300 meter drive from the expressway. So you are going to get a good connectivity in terms of future perspective as well, right? Secondly, our construction quality is the one of the best in class quality. We are offering MIBUN construction with the grading of M35 to M50 grading, right? Already other builders in the facade, no one is giving that much quality in this particular project or their segments. And if we come, if I tell you about the costing as well, our prices are somewhere around 5500, 5600 per square feet. That's again on the lower side as compared to other builders, right? The market rate is somewhere around 7000 rupees or 8000 rupees per square feet. So if we talk about the appreciation as well, in the past, six months or so, our happy customers have already gotten around 800 rupees per square feet of appreciation. So like if you're planning to buy a house, so I guess Divyansh Onyx is one of the best options in terms of returns as well. Exactly guys, in fact it is a ready to move in property. And जैसे कि निकुंज ने बताया कि अभी यहाँ पर जो कस्टमर्स जिन्होंने पहले ही यहाँ पर बुकिंग कर दी थी उनको अराउंड 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है. एंड कमिंग ईयर्स में विद इन अ ईयर अगर हम बात करते हैं तो एक साल के अंदर आप मिनिमम बेयर मिनिमम लाइक 1500 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एटलीस्ट appreciation like expect कर सकते हैं अब हमारे प्रोजेक्ट. Exactly. So अभी भी लेट नहीं हुए हैं आप लोग, अगर अभी भी आप प्लान कर रहे हैं Divyansh Onyx पर एक प्रॉपर्टी लेने का तो अभी भी लेट नहीं हुए हैं, अभी भी आप यहाँ पर आकर परचेज कर सकते हैं, अभी भी आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी. अमेनिटीज यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सारी चीजें परफेक्ट है, लोकेशन इज एक्सलेंट. सो आई विल जस्ट से कि आप जितने जल्दी यहाँ पर आए, जितने जल्दी इस प्रोजेक्ट को आकर विजिट करें उतना आपके लिए बेहतर होगा. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. एंड
Please subscribe to our channel Reality 360 Degree for more such videos. I'll see you in the next one. Bye-bye.